मैं हूं शरण पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। ईशा न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने ईशा न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट्स करें। और अब बात हम करते हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की। जी हां, नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार लगाया और जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियादें सुनी। इस कोरोना काल में काफी अरसे के बाद नीतीश कुमार लोगों के सामने पहुंचे और लोगों की दर्द को समझने की कोशिश की। इस बीच उनके सामने कई तरह की समस्याएं आई जो उन्होंने फौरन ही निष्पादित करने की कोशिश की। देखिए नीतीश कुमार की लाइफ तस्वीर। सर, इसमें ब्लॉक लेवल, प्रमंडल लेवल सब जगह आरक्षण लागू है, बट जिला लेवल पर सर 4-5 पोस्ट है वहाँ आरक्षण नहीं है। और साथ ही साथ जो पहले से आरक्षण था भी दो पद में, उसको भी सर अभी खत्म कर दिया गया है। इसलिए सर रिक्वेस्ट है सर, जैसी बहन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य पूछते अरे आए हुए हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है तो ये संविदाधारित बहाली होती है, तो क्या जिला स्तर पर इसमें आरक्षण का रोस्टर लागू नहीं है? ये कह रहे हैं कि जिला स्तर पर नहीं कर रहा, नीचे के स्तर पर जरा दिखवा लीजिए, भेज रहे जाइए बताइए, कह रहे हैं कि नहीं रोस्टर लागू है। कन्या उत्थान योजना का सर, कॉलेज में हम लोग 25,000 देते, वो नहीं मिलते शायद, वही है कहे नहीं मिल। तो शिक्षा कोई देना है ना, शिक्षा कोई नहीं देना है। क्या है मतलब, ये तो नीचे यहाँ भी लिखा, क्या समस्या बताइए? समस्या बताइए, कहाँ है? ठीक रखिए, कन्या उत्थान योजना है, शिक्षक अरे ये कन्या उत्थान योजना का लाभ इस लड़की को नहीं मिल रहा है, जम्मू से आई, क्या देख लीजिए क्यों नहीं हुआ है? सर एक बात और, मेरे घर में दो और कैंडिडेट है, मतलब तो और क्या बात, मेरे घर में दो और कैंडिडेट है मेरे अलावा, दोनों का नाम लिखवा क्या बताइए, दोनों का बता देना। सुभाषो श्रीवास्तव जम्मू से। Thank you.
दीजिए शिक्षक आई बता दीजिए पहले में क्या समस्या बोली सर बात तो कौन सी सर जो प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण मंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कराना है स्टेडियम आपके यहाँ नहीं बना है जी नहीं है? जी नहीं कहाँ पर हमारे गांव के समीप जमीन भी काफी है तो अगर वहाँ पे या अच्छा स्टेडियम नहीं बना इनको दीजिए डीएम साहब कला संस्कृति विभाग को दीजिए बताइए सर हम पिछले 17 में मैं ग्वालियर से एमए किया ड्रामेटिक्स में आवाज नहीं आ रही तो नहीं आप एप्लीकेशन सर बैंक में था वो लोग बोले कि बैंक ले जाना सर मैं ग्वालियर में ग्वालियर से एमए किया ड्रामेटिक्स सब्जेक्ट में ग्वालियर से एमए किया और वहीं मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था सर कोरोना काल में मैं घर पर बैठा हूँ और अभी हम कलाकार हैं सर अभी कोई हमारे पास मन है आय का स्रोत नहीं हम चाह रहे हैं कि सर आप कलाकारों के प्रति हम लोग कैसे जिए कैसे अपना लाइफ सर्वाइव करें उस समझ में नहीं आ रहा सर तो इस पर सर थोड़ा सा विचार किया जाए जाइए तो इस पर तो इसके पहले कोई विचार हुआ नहीं भी बताइए सर मैं कहना वही चीज है सर क्या है एप्लीकेशन नहीं लाई है एप्लीकेशन लाना चाहिए ना बोलिए अपने जी पी एफ मारी सर कोई इसी में बोलो नहीं नहीं कोई खास बात नहीं तो लिखा हुआ इनको दीजिए शिक्षा विभाग को सर बताएगी उसको आइए क्या हुआ बताइए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्या शिक्षा एवं क्या समस्या है ये क्या है रिजर्वेशन में कोई समस्या है हाँ सर महिलाओं को पूर्व की भांति 5% परीक्षा फल में रियायत मिलता था जो कि इस बार नहीं मिला है जबकि बीएसईबी अध्यक्ष प्रेस रिलीज क्या आरक्षण की समस्या है महिलाओं के लिए है कहाँ शिक्षा विभाग में हाँ। है कहाँ किस चीज का हो रहा था बिहार स्टेट
है? स्टेट 2019। अच्छा अच्छा, शिक्षा मंत्री बताइए। क्या समस्या है आपकी बताइए। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महापुरुषों के सम्मान पुरस्कार स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तो सब कुछ किया ही है, उनके परिवार के लिए भी हम लोगों ने कर दिया था। किए हुए तो समस्या क्या है? समस्या सर स्मृति द्वार और ना ही आज तक मूर्तियां अनावरण हुआ, सम्मान में कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो तो लोकल की बात है ना सर, हम लोग बहुत जगह दौड़ चुके हैं, मेरे पिताजी खुद। लोकल बात है ना जी सर, सेनानियों के लिए जो कुछ भी करना है वो तो किया ही गया है जी सर। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो काम किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा वो भी किया गया है, राज्य सरकार ने उसमें एक्ट किया है जी, 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 दिया है, और उसके अलावे और नीचे का भी हम लोग करवा दिए बहुत साल पहले ही, पोता पोती सबके लिए भी किए हैं हम लोग सर। इस विषय पर काम तो करवा ही दिए, लेकिन चलिए देख लीजिए भाई, इस विषय पर कुछ नहीं। चलिए, आपके कौन दादा है? हाँ सर दादा है, देख लीजिए। बाहर कैसे करेगा कुछ? बाहर करने की तो कोई बात नहीं, ये कहते तो हुए बाहर कहाँ कोई होगा। हाँ सर बोलिए बोलिए, बात तो बोलिए। ये कहते हुए बाहर कर दिया गया है 2011 के जो बुलेटिन निकला था सूचना बुलेटिन। नहीं नहीं, बाद में तो हुआ है ना, वो तो फैसला भी आ गया है। क्या फैसला? जयपुर शिक्षा विभाग, यही तो पूरी बात बताई, कर दिया गया है।